I was there when needed someone who wasn't getting. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के फजल करम रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे देश में परदेश में देखने वाले बहन भाई भी अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जी आज का ब्लॉग आपको ये बताने लगे कि ये देखे मैंने सीडलिंग की थी, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी कुछ पौधों की, ठीक है। और कुछ मैंने हरी मिर्चों की पनीरी भी लगाई थी, उनमें से ना दो तीन हरी मिर्चें ख़राब हो गई हैं। ये देखें, ये भी ख़राब हो गई है और एक ये वाली भी ख़राब हो गई है। ये देखें, चार लगाई थी ना, दो उनमें से ख़राब हो गई हैं और दो माशाल्लाह चल रही हैं। ये देखें, एक ये माशाल्लाह देखें इसकी ग्रोथ भी अच्छी जा रही है और दूसरी ये है और माशाल्लाह इसके की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है ना। और ये ख़राब हो गई हैं तो इनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताना था कि पुदीना भी मैंने लगाया, माशाल्लाह देख कितना अच्छा ग्रो हो गया। ये देखें, ठीक है ना। और ये जो सारे फ्लावर है ना, ये देखें, ये ना वो ऊपर मेरे मॉर्निंग ग्लोरी की बेल लगी थी ना, उसके बीज मैंने मिट्टी में ऐसे डाल दिया। अब मैं जौन सी मिट्टी भी देखो ग्रो कर रही हूँ उसमें कोई भी बीज, और उसमें से ये मॉर्निंग ग्लोरी के बीज ग्रो हो गए। इसमें भी जिसमें भी डाला, ये देखें, इसमें मैं तस्बीह प्लांट लगाया, अभी तस्बीह प्लांट नहीं निकला, ठीक है। ये देखें, ये मॉर्निंग ग्लोरी के बीज है और ये एक मटर का प्लांट भी निकला है माशाल्लाह से। ये देखें, आते हैं जी अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा ये है कि जी मैंने जो बाल्टी में मिट्टी डाली है और जो तोड़ों में मिट्टी डाली है भिंडियां लगाने के लिए या बेल वाली कोई सब्ज़ी लगाने के लिए, ठीक है ना, उसमें मैं करूँगी क्या कि कोई भी 1.5 लीटर वाली बोतल ले के ना, उसको ये आपको नज़र आ रहा होगा सुराख नज़र आ रहे हैं, ये देखें सारी बॉटल में। और मैंने इसको भी किए हैं, ये देखें, ये बड़े बड़े किए हैं, इसमें छोटे छोटे किए हैं। ऐसे करके ना इसको सेंटर में लगा दूंगी, साइडों पे चार चार प्लांट, बेशक वो टमाटर के हों, हरी मिर्ची के हों, बैंगन के हों, चाहे बेलों के लगा लें, चार चार प्लांट साइडों पे और सेंटर में जिस तरह ये लगाया है ना उस तरह लगाऊंगी, ठीक है ना। और इस तरह इसमें जो किचन वेस्ट होगा वो डालते जाएंगे, हमारी खाद भी बनती जाएगी और जो उसका लिक्विड होगा ना वो हमारे पौधों के नीचे खाद के तौर पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इधर भी मैं ऐसे ही करूँगी। अभी मैंने एक बना के काट के लगा दी है, मैंने कहा अपने व्यूवर्स का शेयर कर दूँ, दूसरी में भी आराम से काट के ना इनके सेंटर में लगा दूँगी और फिर इनमें जौन सी मर्ज़ी चार चार प्लांट लगा दूँगी। आपको पता है ना जौन सी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और एक मैंने ये भी काटी, ये मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसके मैंने बड़े सुराख किए हैं क्योंकि इसमें से पानी ज़रा आराम से जाता है। इसमें देखने को क्योंकि ये तोड़े होते हैं ना, इनके नीचे है ना जो आस्ता आस्ता पानी नहीं जाता, वो एकदम से बाहर निकलता है, इसलिए ये इस तरह के बोतलें काट के बनाने लगी हूँ कि पानी आहिस्ता आहिस्ता से इनके नीचे जड़ों तक जाए और ये सूखे ना, क्योंकि आगे आ रही हैं गर्मियाँ, गर्मियाँ आएगी तो पानी की अच्छा ज़रूरत होगी। तो इस वजह से ये वाला कुलिया इस्तेमाल किया, ये वाला टोटका लगा ले, कुलिया लगा लें, जो भी है, ठीक है। और मैंने पहले भी कई बार पौधों पे लगाया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखें, इसमें भी लगाया हुआ है, नज़र आ रहा है ना आपको, इसमें ये देखें सारी ना ये अब खाद बन चुकी है। ये देखें, ऐसे ऐसे करके खाद बनती जाएगी, बाद में जब भी ज़रूरत पड़ेगी पौधे में डाल देंगे, इसको खाली करके फिर इसको बढ़ते जाएंगे, सही है ना। और ये अमरूद की ग्रोथ भी शुरू हो गई है, ये देखें, और हमारे फालसों की ग्रोथ भी माशाल्लाह से शुरू हो गई है। ये देखें, ये फालसों की ग्रोथ शुरू हो गई है, नज़र आ रही है आपको, ये देखें सारी, ये देखें। और ये देखें जी, लेमन की ग्रोथ भी शुरू हो गई माशाल्लाह से। नींबू लगे हुए हैं इसके ऊपर, देखें चार पांच, और ग्रोथ अब शुरू हुई है इसकी, ये देखें। और इसमें भी मैंने वही मिट्टी डाली और इसमें भी मॉर्निंग ग्लोरी के सारे बीज देखे निकलाए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, टमाटर की पनीरी भी हमारी तैयार हो गई, अब इसको भी ट्रांसप्लांट कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा छोटा सा प्लांट है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं सही तरह से पता, बहरहाल इसके फ्लावर देखें कितने प्यारे हैं, ये देखें नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह से, देखिए ज़रा। और ये है जी बैंगन का पौधा, एक ही बचा था, इतने सारे लगाए थे वो ख़राब हो गए सारे, इसमें भी देखें मॉर्निंग ग्लोरी के बीज निकले हुए हैं। और ये कटिंग पानी में ग्रो की हुई है, ये देखें गुलाब की है,
और मैं आपको बताती हूँ जो मैं ये देखें वो नीचे से ब्लैक हो गई है और वो ख़राब हो गई है सारी। एक ये भी, ये देखें ये भी, ये देखें जी कटिंग हमारी फेल हो गई है ये वाली। अभी तीन चार लगी हुई हैं, एक ये आपको जो नज़र आ रही है अभी ये भी ग्रीन ग्रीन है, ये नहीं ख़राब हुई ठीक है ना। और ये देखें ये वाली कटिंग है ना जो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी चल रही है, इसकी ग्रोथ नहीं कम हुई, इसकी नीचे से भी ग्रोथ निकलने शुरू हो गई है ये देखें माशाल्लाह। और जो सारी लगाई थी वो ख़राब हो गई। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ऑरेंज के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है, ये देखें ज़रा, ये देखें जी माशाल्लाह। नीचे से भी हुई थी वो मैंने काट दी है, शाखें निकली थी वो मैंने काट दी हैं। और ये फालसे की ग्रोथ भी देखें, ये देखें ये भी शुरू हो गई है, और ये छोटे छोटे से ना ये देखें और जो शाखें निकलने वाली हैं वो शुरू हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। पुदीना तो हमारा बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है, ये देखें ज़रा। अब कुछ और सीडलिंग करेंगे वीडियो की, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई हुई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ठीक है ना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ओके अल्लाह हाफिज़। I was there when I needed someone, wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved.